भागलपुर के सबौर प्रखंड के फरका पंचायत के इंग्लिश गांव में कल से ही गंगा का रौद्र रूप देखकर ग्रामीण सहमे हुए हैं। गंगा के कटाव में 300 मीटर ग्रामीण पथ एवं बिहार सरकार के द्वारा जल नल योजना का जल मीनार भी कल गंगा में समा गया। कल दिन से शुरू हुआ गंगा का तेज कटाव जारी है। वहीं अब कटाव में घर भी गंगा में समा रहे हैं। कुछ लोगों ने तो थोड़ा बहुत सामान घर से निकाल लिया है, लेकिन कई लोगों का घर गंगा की गोद में समा चुका है और वो लोग अब बेघर हो चुके हैं। गांव की महिला कंचन देवी का कहना है कि उन लोगों का सब कुछ गंगा में समा गया, अब दो जवान बहनों को लेकर कहां जाएं? अभी तक ना तो जिला प्रशासन ने कोई सुध ली है, ना ही कोई जनप्रतिनिधि देखने के लिए आया है। इन लोगों का आरोप है कि वोट के समय सभी नेता आते हैं, लेकिन इस आपदा की घड़ी में कोई देखने तक नहीं आया है, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर जल्द प्रशासन के द्वारा कार्रवाई नहीं होती है तो ये लोग उग्र आंदोलन करने को विवश होंगे। दूध बेच के घर चलाते हैं, गाय भैंस भी चली गई, वो भी चली गई पानी में। कैसे हम लोग तो रहने के लिए घर भी नहीं है, रात भर जग के रहे, रात भर जग कर रहे हैं। डेढ़ बजे भी हम लोग घर में कोई सामान नहीं है, सारा सामान रोड पे रखा हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं पूरा घर में। माँ नहीं है, माँ आपसे 10 साल पहले 10 साल पहले माँ मरी गई है, 8 बहन है सर। हमारा कोई उपाय कीजिए सर, दो ठो बच्चे जैसे जवान जवान लड़की है, लोग कहाँ लेकर के रहेंगे सर? सब गंगा में समा गया, सब गंगा जी में समा गया। हम लोग का कोई नहीं, कोई नहीं। पति के 2 महीना मरला भले बैठा वो पर्याप्त, मैं 3 वो माल बा। घर क्या हुआ? घर का काट रहा गिरा, इतना सरपंच मुखिया बना बाबू कुछ नहीं बना दिया, ये कुछ नहीं। देखिए आप लोग के नजर के सामने में है ये घर, आज से नहीं करी 6 महीना से लोग जनता यहाँ का परेशान है। यहाँ सरकारी स्कूल था, जल मीनार था, आपके सामने में है सारा चीज़, 6 महीना पहले से गिर रहा है, लेकिन कोई भी प्रशासन नहीं। हमने यही देखा कि क्षेत्रीय विधायक जो हैं एक दो बार आए, हम लोग बात रखा, वो बोले कि यहाँ के प्रशासन को हमने बात रखा है। एक दिन DC साहब आए, रास्ता से गुजर के चले गए, लेकिन जो कार्रवाई होनी चाहिए थी अगर आज वो लोग 6 महीना पहले कर दिए रहते तो जनता गांव के भाग के नहीं जाती। नाथनगर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र में अपराध का ग्राफ थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला नूरपुर के वार्ड 3 का है, जहां देर रात जीत राणा के कार का पीछा करते हुए अपाचे बाइक से आए 3 नकाबपोश अपराधियों ने उसके घर के पास आकर पीछे से 2 अपराधी बाइक से उतरकर कार का गेट खुलने का इंतजार किया। उसके बाद जैसे ही राणा अपने कार का गेट खोला और बाहर आया तो उसमें से 2 अपराधियों ने हाथापाई कर गोली मारने का प्रयास किया, लेकिन तब तक उसका कारतूस गिर गया। उसके बाद जब जीत राणा ने अपराधियों को पकड़ने का प्रयास किया तो जीत को अपराधियों ने धक्का मार दिया और मौके से फरार हो गए। भागते समय अपराधियों ने उस पर बम भी पटका, लेकिन वो बम जमीन पर गिर गया। सारी घटना जीत राणा के घर में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। घटना के बाद मधुसूदनपुर प्रभारी थानाध्यक्ष संतोष कुमार शर्मा दल बल के साथ पहुंचे और पीड़ित से सारे घटनाक्रम की जानकारी ली और CCTV फुटेज भी देखा। प्रभारी थानाध्यक्ष ने बताया कि कोई भी हो बच नहीं पाएगा। तुरंत हल्ला ना हम कर देंगे, जितना काम मिला कहां से इसको पकड़ने के मुख्य ने दिया है। एक बार फिर सुल्तानगंज में अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए स्वर्ण व्यवसायी की दुकान में लूटपाट की घटना को अंजाम देते हुए 4 किलो चांदी और 45,000 नगद रुपये लूट कर फरार हो गए। अपराधियों की करतूत CCTV फुटेज में कैद हो गई। घटना के बाबत पीड़ित व्यवसायी राकेश कुमार शाह ने बताया कि 3 युवक कस्टमर बनकर दुकान के अंदर दाखिल हुए और धीरे धीरे दुकान की शटर गिराकर दुकान में रखे लगभग 5 लाख रुपए के आभूषण की लूटपाट कर फरार हो गए। घटना सुल्तानगंज शहर के सबसे व्यस्तम कुम्हार गली स्थित माँ दुर्गा ज्वेलर्स की है,
घटना के बाद अब देखना होगा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस कितनी जल्दी इन बदमाशों को पकड़ पाती है। हालांकि लूट की घटना के बाद पुलिस एक्टिव दिख रही है और शहर में लगातार अपराधियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी कर रही है। कस्टमर के साथ जो है ना, कस्टमर बन के आया, उसके बाद जाकर के सामान दिखाने के बाद शटर गिरा दिया, दुकान का शटर गिरा दिया, उसके बाद सामान लेना शुरू कर दिया। कितना का लगभग लूटपाट किया? 45,000 रुपये नगद नगद कैश था और चांदी का टोटल जेवर। कितना आदमी? कितना का टोटल हुआ? वही 4-5 किलो का आसपास होगा। 4-5 लाख? कितना कटना की बहुमूल्य कटना का मूल्य का है? चांदी कितना का ले गया? 3 लाख रुपये का आसपास होगा। 3 लाख और 45,000 नगद। कितने की संख्या में अपराधी थे? 3। भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड में अंतिम चरण में 12 दिसंबर को होने वाले चुनाव को लेकर प्रत्याशी अपने अपने इरादों और उद्देश्यों के साथ चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। कठरा पंचायत से मुखिया प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे रामनंद सिंह और बबलू अपने पंचायत को विकास के मामले में पिछड़ा पंचायत बताते हुए सर्वांगीण विकास के लिए काम करने की बात करते हैं। रामनंद सिंह से बात की हमारे संवाददाता अश्वनी कुमार ने। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सियासी सरगर्मी तेज हो चुकी है और अंतिम चरण में चुनाव पहुंच चुका है। इस वक्त हम मौजूद हैं सुल्तानगंज के कटहरा पंचायत में। यहां पर हमारे साथ हैं बबलू जी, प्रत्याशी हैं, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं कि कैसे मतदान करने हैं। इनसे हम बात करेंगे किस मुद्दे को लेकर मैदान में है और क्या विकास का मुद्दा इन्होंने बनाया हुआ है। सबसे पहले तो बिग न्यूज पर आपका स्वागत है जी। किस मुद्दे को लेकर मैदान में है? इस पर पंचायत के विकास के को लेकर के। पंचायत में विकास नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ है, मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं हुआ है। क्या क्या काम आपको करना है, लोगों से बात कहेंगे जो? देखिए, पंचायत के विकास के लिए सबसे पढ़ाई पहले तो शिक्षा, उसके बाद स्वास्थ्य, जो कि हमारे यहाँ नगण्य हो गया है, ठीक है। मेरे हिसाब से इसमें सुधार जरूरी है। उसके बाद आप देख रहे हैं वर्तमान में यह गली, इस गली का हालत आप देखिए क्या है स्थिति, जबकि वर्तमान मुखिया 10 साल रह चुके हैं और हम दोनों बार चुनाव लड़े, 11 और 16, और इस बार फिर हम एक केस में हैं। अगले बार हम सेकंड पोजीशन पे रहे थे 44 वोट से हारे थे चुनाव। फिर प्रयासरत हैं, हमारा सोच है कि हम पंचायत को अपने हिसाब से एक अलग राह पर लेके चलें, जो समुचित विकास हम कर सकें, जो हमारा तमन्ना है उस प्रकार का विकास नहीं हो रहा है। हमारे जो निवर्तमान मुखिया हैं वो 10 साल में हम देखे नहीं हैं कि हमारे गांव में आया, जब हमारा मुखिया हल्का-हल्का आगू बढ़ हमारे गांव तक नहीं आएगा तो हमारा विकास कहां से संभव होगा। जनसंपर्क लगातार कर रहे हैं, कितना समर्थन मिल रहा है लोगों का? हमें तो ऐसा प्रतीत हो रहा है, चूंकि हम लगातार तीसरी बार मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, 70% हमारे साथ हमको दिखाई दे रहा है इस बार। और सभी पंचायत में नए मुखिया का चयन हो रहा है, इस पर लग रहा है आपको भी उम्मीद है कि इस बार आपको भी चुना जाएगा? निश्चित रूप से लग रहा है कि हमको चुना जाएगा, चूंकि हम 10 साल पंचायत के बीच में है, पब्लिक के बीच में है, हर एक गरीब का मदद किए हैं, जहाँ जिसको जिस चीज़ का आवश्यकता होता है, जो भी व्यक्ति हमारे पास आए हैं उनका हम स्वागत किए हैं। कोई भी आदमी हमारे पास से जो इच्छा लेकर के आया है वह खाली हाथ नहीं लौटने दिए हैं, कौन सा हर संभव प्रयास हम उनका मदद किए हैं, चाहे वह बीमारी हो, बीमार व्यक्ति हो, कोई गरीब के यहाँ कोई डेथ कर गया हो, उसके दाह संस्कार में खड़े हुए हैं, आर्थिक और शारीरिक दोनों चीज़ से, किसी गरीब के बेटी का ब्याह हो उसमें खड़े हुए हैं, आर्थिक शारीरिक मानसिक हर एक रूप से। इस बार लोगों से क्या अपील होगी, क्या कहना चाहेंगे और अपना चुनाव चिन्ह जैसे लोगों से अपील है कि भाई एक बार अपना कीमती वोट दे करके हमें मुखिया के रूप में चुने, उसके बाद हम बताएंगे कि हम विकास किस हिसाब से करते हैं। हमारा चुनाव चिन्ह ब्रश छाप है जो 7वें नंबर पर है।
हमारे साथ थे बबलू जी, इनको सुना आपने और इनका साफ कहना है कि विकास करेंगे हमेशा, हम शारीरिक मानसिक रूप से आर्थिक रूप से भी लोगों का मदद किए हैं, लेकिन इस बार देखना यह शेष है कि जनता इसको इनको इस बार मौका देती है या नहीं। अश्विनी कुमार, बिग न्यूज़, सुल्तानगंज। जगदीशपुर प्रखंड कार्यालय में कर्मचारियों की ना केवल आने जाने में मनमर्जी चलती है, बल्कि यहाँ के राजस्व कर्मचारी सरकारी कार्यालयों की गोपनीयता को भी सार्वजनिक कर रहे हैं, जिसमें जमीन माफिया की चांदी कट रही है। जबकि निर्देश है कि कोई भी कर्मचारी प्राइवेट कमरे पर कार्यालय नहीं चला सकता, इसके बावजूद एक कर्मचारी गणेशपुर लकड़ी गोला के समीप प्राइवेट कमरा लेकर अपना कार्यालय चला रहा है। वहीं दूसरा कर्मचारी भीकनपुर आवास पर कार्यालय का काम कर रहा है। एक कर्मचारी ने तो अपने 14 मुंशी को बहाल कर रखा है, जहां कर्मचारी सिर्फ हस्ताक्षर करते हैं, बाकी के सारे कागजात का निरीक्षण और अवलोकन गैर सरकारी लोग कर रहे हैं। और इस तरह का जो सिस्टम बन गया है, इससे भ्रष्टाचार खूब फल फूल रहा है। साधारण लोगों को सहजता से कहा जाता है कि कागजात फट चुके हैं, वहीं तथाकथित दलाल को चढ़ावा देने के बाद सब उपलब्ध हो जाता है। आप देख सकते हैं किस प्रकार सरकारी कार्यालयों में गैर सरकारी आदमी सरकारी रजिस्टर से छेड़छाड़ कर रहे हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या वरीय पदाधिकारी इस पर संज्ञान लेते हैं। संजीत कुमार, घर कहाँ? घर अलीगंज। यहाँ कहाँ आए हैं? यहाँ जगदीशपुर अंचल आए हैं। किस काम से? नक्शा निकलवाने के लिए आए हैं। मामला क्या है? मामला है कि राजस्व कर्मचारी के यहाँ, मतलब देखते हैं कि प्राइवेट मुंशी के रूप में काम करता है आदमी लोग, जिसका नाम है मनीष है, संजय है, और भी सब व्यक्ति लोग हैं जो कि आम पब्लिक को परेशान करता है, पैसा लेता है, तब मोटेशन होता है, रसीद काटता है कर्मचारी, सिर्फ दस्तखत कर देता है और सारा रसीद वही लोग काटता है। रजिस्टर टू भी छूटा है? रजिस्टर टू को भी, मतलब लाल वाला रजिस्टर टू को भी छेड़छाड़ कर देता है और पैसा मांगता है कि ऑनलाइन में सुधरवाएंगे तो ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। ये सब क्या है? कहाँ है सरकार? कहाँ है सुशासन? डीएम साहब, कलेक्टर साहब, सबको पता है, लेकिन कहाँ कार्रवाई हो रहा है? कहाँ पकड़ धकड़ हो रहा है? उन लोग का और भी मन खुला हुआ है। हम आए थे यहाँ रसीद कटवाने के लिए, तो बोला ऑफलाइन रसीद नहीं काटेंगे, तब ऑनलाइन चढ़ाइए। ऑनलाइन कहता है कि हमारा अभी लगान अपडेट नहीं हो रहा है, ऑनलाइन नहीं चढ़ेगा। बोले कब काट के दीजिएगा? बुधवार को बुलाता है तो यहाँ फाइल ना है तो कुछ ना जाइए। कितना दिन से घूम रहे हैं? हम घूम रहे हैं मोटा मोटी 3 साल से। रसीद अभी तक नहीं कटा है? अभी तक नहीं कटा है, और लेके रख लिया है और बोलता है फोन करके बता दो। कौन बोला? कर्मचारी बोला कि जो अदर बैठा का जो हेल्प, मतलब उनका जो है असिस्टेंट है, क्या बोला? बोला कि अभी नहीं कटेगा, यहाँ पर फाइल ना है। विवेकानंद मंडल। घर कहाँ हुआ? क्या मामला है? मामला रसीद कटवाने के लिए आए हैं, 3-4-5-10 दिन से परेशान हो रहे हैं। कभी कर्मचारी मिलते हैं, कभी आज मिले हैं, कई दिन के बाद तो अमरिंदर सिंह मिले हुए हैं। अमरिंदर सिंह बोलते हैं रसीद दिखाए, बोला आज मेरे पास रसीदें नहीं है, मेरे पास फाइल नहीं है, बुधवार को आइए, शुक्रवार को आइए, ऑनलाइन कटाइए। ऑनलाइन कटाने जाते हैं, ऑनलाइन नहीं होता, बोला रसीद आपका चढ़ावा आइए ना, ऑनलाइन रसीद कैसे कटेगा? यही सब मामला। जगदीशपुर प्रखंड के 110 स्कूलों के नियंत्रण कार्यालय के रूप में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का कार्यालय अक्सर बंद रहने से विद्यालय के शिक्षकों को काफी अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रखंड संसाधन केंद्र जगदीशपुर की स्थिति देखकर ऐसा लगता है मानो ये राम भरोसे चल रहा हो। अक्सर यहाँ की ग्रील लगी रहती है। आज भी दिन भर प्रखंड संसाधन केंद्र जगदीशपुर का कार्यालय बंद रहा। इस बाबत प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रामजी राय से बात करने की कोशिश की गई तो उनका मोबाइल स्विच ऑफ था। वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि हो सकता है कि वहां नियुक्त कर्मचारियों की ड्यूटी चुनावी कार्य में लगी हो, हम पता करते हैं। कई शिक्षकों ने बताया कि प्रखंड संसाधन केंद्र शिक्षा विभाग में सिर्फ खानापूर्ति के लिए रह गया है, जहां सिर्फ अब्सेंटी जमा करने के दिन कर्मचारी आते हैं और अब्सेंटी के साथ लेन देन करके आराम से घर में रहते हैं। बहरहाल शिक्षा विभाग की वरीय अधिकारी BRC के कर्मचारियों पर क्यों मेहरबान रहते हैं, यह तो वरीय अधिकारी ही बता सकते हैं।